नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन पार्ट 6। तो एक्सरसाइज 2.2 है और फिफ्थ का हम कल कर रहे थे सेकंड पार्ट। देखो y इज इक्वल टू क्या है, e रेस्ट पावर x इंटू कोस x। तो इसमें सबसे पहले हम dy by dx निकालेंगे u इंटू v से। इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे nth डेरिवेटिव? देखो y1 फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 सेकंड एज इट इज प्लस सेकंड का डेरिवेटिव माइनस के साइन x फर्स्ट एज इट इज। तो अब इसमें देखो e रेस्ट पावर x कॉमन ले लेते हैं, यहां जाता है cos x माइनस के sin x। तो इसको देखो हम कैसे लिखते हैं, e रेस्ट पावर x 1 इंटू cos x माइनस के 1 इंटू sin x। देखो हमें cos का फॉर्मूला बनाना है, तो cos का फॉर्मूला बनाना है तो cos a प्लस b क्या पढ़ा है हमने, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो इस 1 को भी पुट करते हैं, 1 इज इक्वल टू r cos थीटा, और ये 1 भी पुट करते हैं, दिस इज r sin थीटा। तो स्क्वेयरिंग और एडिंग करेंगे तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू r स्क्वेयर आ जाएगा, cos स्क्वेयर प्लस sin स्क्वेयर 1 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू रूट 2। अब डिवाइड करेंगे तो टेंजेंट थीटा 1 आ जाएगा, तो थीटा किसके इक्वल आएगा, पाई बाय 4 के। ये वैल्यूज आ गई है, तो इसमें मैं y1 लिख देता हूं। y1 क्या आ जाता है, e रेस्ट पावर x r cos थीटा इंटू cos x माइनस के r sin थीटा इंटू में sin x। तो देखो e रेस्ट पावर x और ये r बाहर आ गया, cos थीटा cos x माइनस sin थीटा sin x। तो ये फॉर्मूला बन गया देखो cos का। तो y1 हमारा बनता है r रेस्ट पावर 1 e रेस्ट पावर x cos a प्लस b x प्लस थीटा, ठीक है। अब y2 निकालते हैं, y2 क्या हो गया, r कांस्टेंट e रेस्ट टू पावर x का e रेस्ट टू पावर x cos x प्लस थीटा एज इट इज प्लस e रेस्ट टू पावर x एज इट इज cos का क्या जाता है, माइनस sin x प्लस थीटा। तो अब कंप्लीट से हम e रेस्ट टू पावर x कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 into cos x प्लस थीटा बन जाता है माइनस के साइन एक्स प्लस थीटा, इसके इनटू में भी वन समझ लो, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने पहले किया था, वन को क्या पुट किया था, आर कोस थीटा, तो वापस वही वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज आर कोस थीटा कोस एक्स प्लस थीटा माइनस के आर साइन थीटा साइन एक्स प्लस। तो देखो r कॉमन, तो r स्क्वायर हो गया, e रेस्ट पावर x cos a cos b माइनस sin a sin b cos a plus b दिस इज cos ऑफ x plus 2 थीटा। तो देखो ये y2 है, अप टू सोन हम yn लिख सकते हैं। आप yn कैसे लिख सकते हैं, देखो y2 में r की पावर 2, y1 में r की पावर 1, e रेस्ट पावर x as it is, y1 में cos x plus थीटा है, y2 में cos x plus 2 थीटा है, तो yn में क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इज r रेस्ट पावर n e रेस्ट पावर x cos ऑफ x प्लस n थीटा। अब r की वैल्यू क्या थी, रूट टू, सो दिस इज 2 रेस्ट पावर 1 बाय 2 और पावर n है तो 2 रेस्ट पावर n बाय 2 e रेस्ट पावर x दिस इज cos ऑफ x प्लस n, tan थीटा क्या है, दिस इज पाई बाय 4, ये आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखो और करवाता हूं मैं इसमें, अब मैं इसमें सिंपल बना के इसको बताता हूं। जैसे y क्या गिवन है, e रेस्ट पावर x इंटू साइन x कोस x, तो आपने तो जो फॉर्मूला सीखा है, तो e रेस्ट पावर के साथ या तो साइन मल्टीप्लाई या फिर कोस, ये दोनों का मल्टीपल है, तो इसको सिंगल में बनाएंगे कैसे, 2 से डिवाइड
2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1 बाय 2 e रेस्ट पावर x इंटू साइन 2x। तो बस अब ये वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को आप इस टाइप से कर सकते हो, जैसे कि e रेस्ट पावर x साइन बी एक्स प्लस सी। तो अब एक और पार्ट देखो, जैसे सिक्स्थ, सिक्स्थ क्या है, y e रेस्ट पावर x इंटू साइन क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो इसमें क्या करते हैं, 4 साइन क्यूब a तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा, दिस इज 3 साइन a और साइन 3a को राइट साइड में ले जाएंगे। तो साइन क्यूब ए की क्या वैल्यू आ जाती है, दिस इज 3/4 साइन ए माइनस के 1/4 साइन ऑफ 3 ए, ये फॉर्मूला आ गया। अब एक ही जगह यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, एक्स, देयर फोर वाई किसके इक्वल आ जाएगा, ई रेस्ट पावर एक्स 3/4 साइन एक्स माइनस 1/4 साइन 3x। तो क्या आ जाएगा, देखो 3/4 बाहर, ई रेस्ट पावर एक्स साइन एक्स माइनस 1/4 बाहर, e रेस्ट पावर x साइन 3x। तो एक क्वेश्चन ये हो गया और एक ये, तो इनको हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू या e रेस्ट पावर ax साइन bx प्लस c का सोल्व करके, इसमें yn जो आ जाता है क्या आता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n बाय 2 e रेस्ट पावर ax साइन बी एक्स प्लस सी प्लस में एन टेंजेंट इनवर्स बी अपॉन ए, ये आता है। तो पहले यहाँ फर्स्ट पार्ट में ए वन है और बी भी वन है, तो वैल्यूज पुट कर दोगे इसके अकॉर्डिंग। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में क्या है, देखो ए वन है और बी क्या दिख रहा है, थ्री, तो ए और बी की वैल्यूज इसमें पुट करोगे तो यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ पर भी, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कंप्लीट होता है। ऐसे ही जो सिक्स्थ है, सिक्स्थ में सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट भी वही है, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करके, इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। देखो वाई क्या गिवन है, ई रेस्ट पावर ए एक्स इंटू कोस केयर एक्स साइन एक्स। तो अब जो फॉर्मूला हमने सीखा था उसमें तो क्या था, उसमें तो हमारे पास था कि भाई e की पावर ax के साथ या तो साइन मल्टीप्लाई या कोस, तो इसको हम चेंज करेंगे। देखो कैसे, e रेस्ट पावर ax साइन कोस स्क्वायर x होता है, या तो इसको ऐसा लिख लेते हैं कोस x इंटू, ये साइन x है, एक कोस इसके साथ ले लेते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। देखो कोस स्क्वायर को एक कोस और एक कोस दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख के, अब ये क्या हो गया cos x और ये 2 sin x, cos x क्या होता है, दिस इज sin 2x, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या है, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो कैसे करेंगे इसको, अब नेक्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो e रेस्ट पावर ax बाय 4। अब अंदर क्या है, 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, दिस इज साइन सम, माइनस के साइन डिफरेंस, x माइनस 2x क्या हो जाएगा माइनस x, तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, दिस इज प्लस a sin x। तो ये क्या आ जाता है, 1/4 e रेस्ट पावर ax sin 3x प्लस 1/4 e रेस्ट पावर ax into sin x। तो ये क्वेश्चन आ गया। तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये, तो हम इसमें वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस टाइप से सिक्स के पार्ट्स भी हम कर लेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 7, इसका सिक्स पार्ट मैंने करवा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो,
क्वेश्चन नंबर सेवेंथ में क्या है, ए गिवन है ए इज इक्वल टू साइन एन एक्स प्लस कोस एन एक्स। अब ए पी क्या है, इसका पीएथ डेरिवेटिव, पीएथ डेरिवेटिव हमें निकालना है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहां पर, इफ y इज इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी देन v नॉट एट करके लिख देना, v नॉट एट इफ y इज इक्वल टू दिस देन y n क्या होता है, a रेज टू पावर n इंटू साइन ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू, एंड इफ y इज इक्वल टू कोस ए एक्स प्लस बी देन y n क्या होता है, a रेज टू पावर n इंटू कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी और इंटू अच्छा प्लस में एन पाई बाई टू। तो ये फॉर्मूले हमने सीखे हुए हैं, इन दोनों का यूज करके हम इसमें डायरेक्ट पुट करते हैं। देखो अब जो इक्वेशन फर्स्ट है इसको इक्वेशन वन लिख लो, ठीक है। तो यहां से डायरेक्ट क्या आ जाएगा, ए पी पी एथ डायरेक्टिव क्या आ जाएगा, देखो अंदर एन है कोफिशेंट, एन रेज टू पावर पी साइन एन एक्स प्लस पी पाई बाई टू प्लस एन रेज टू पावर पी कोस एन एक्स प्लस पी पाई बाई टू। ये पी एथ डायरेक्ट हो तो ये आ जाता है एन रेज टू पावर पी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, जो हमें प्रूव करना है वो क्या है, ए पी प्रूव करना है। मैं पहले वो लिख देता हूँ जो प्रूव करना है। टू प्रूव क्या है हमारे पास, जो ए पी है वो प्रूव करना है, एन रेज टू पावर पी अंदर वन प्लस माइनस वन रेज टू पावर पी साइन ऑफ टू एन एक्स पावर वन बाई टू, ये प्रूव करना है। तो यहाँ इस ए पी का ये निकाल चुके हैं, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। देखो कैसे कर सकते हैं, ए पी सबसे पहले एन रेज टू पावर पी दोनों से कॉमन, अंदर आ जाएगा साइन एन एक्स प्लस पी पाई बाई टू प्लस कोस एन एक्स प्लस पी पाई बाई टू, ऐसा है ये बना है। तो इसको देखो हम कैसे कर सकते हैं, इसका स्क्वेयर और फिर इसका स्क्वेयर रूट, ऐसा लिख सकते हैं, क्यों कैंसिल होकर वैल्यू सेम आएगी, क्यों हमें जो आंसर है उसमें पावर वन बाय टू चाहिए, इसलिए वन बाय टू बना लिया पावर एन रेज टू पावर पी। तो ए प्लस बी तो ये हो जाता है साइन स्क्वेयर एन एक्स प्लस पी पाई बाय टू प्लस कोस स्क्वेयर एन एक्स प्लस पी पाई बाय टू प्लस टू साइन एन एक्स प्लस पी पाई बाय टू टू कोस एन एक्स प्लस पी पाई बाय टू, ठीक है। ये अंदर वाला स्क्वेयर सोल्व किया है, अब इसका क्या है स्क्वेयर रूट या पावर वन बाय टू लिख सकते हैं एन रेज टू पावर पी बार। देखो साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर किसके इक्वल होता है, वन के। अब टू साइन ए कोस ए क्या होता है, दिस इज साइन टू ए, तो टू एन एक्स प्लस पी पाई हो गया और इसकी पावर वन बाई टू। अब एक और फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, साइन जो एन एक्स प्लस एन पाई प्लस एल्फा किसके इक्वल होता है, साइन एन पाई प्लस एल्फा, दिस इज माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू में साइन एल्फा। ऐसे ही कोस एन पाई प्लस एल्फा किसके इक्वल होता है, माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू में कोस एल्फा। इन दो फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो इसमें क्या है, देखो क्या बन गया, ये एन रेज टू पावर पी वन प्लस साइन पी पाई प्लस ये थीटा समझो टू एन एक्स थीटा है, पी पाई प्लस थीटा दिस इज माइनस वन रेज टू पावर पी इंटू में साइन थीटा, थीटा क्या है टू एन एक्स, तो इसकी पावर वन बाई टू, ये आंसर होगा।
दिस इज एपी। तो देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं इसको, स्टार्टिंग में हमें गिवन है ए। ए क्या है? साइन एन एक्स प्लस कोस एन एक्स। तो ये फॉर्मूले हमें सीखे हुए हैं पहले। वाई क्या है? कोस, ये साइन ए एक्स प्लस बी है तो वाई एन इस टाइप से, एन एथ डेरेटिव कोस में हो तो बी एन एथ डेरेटिव, ऐसे होता है। तो यहां से हमें पी एथ डेरेटिव निकालना है, तो इसका डायरेक्ट हम पी एथ डेरेटिव लिख देते हैं। एन रेज टू पावर पी साइन एन एक्स प्लस पी पाई बाय टू प्लस एन रेज टू पावर पी कोस एन एक्स प्लस पी पाई बाय टू। अब हमें प्रूव ये करना है, पावर वन बाय टू की फॉर्म में प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एन रेज टू पावर पी कॉमन जो अंदर दे रखा है उसका स्क्वेयर और फिर पावर वन बाय टू मतलब स्क्वेयर। तो अब अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वेयर है तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस टू ए बी लिख दिया। अब साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर वन हो गया और टू साइन ए कोस ए क्या होता है, साइन टू ए। ठीक है, अब यहां भी क्या है, साइन एन पाई प्लस एल्फा होता है माइनस वन रेज टू पावर एन इन टू में साइन एल्फा। तो इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करते हैं। तो साइन एन पाई की जगह यहाँ पी पाई दिख रहा है, पी पाई प्लस एल्फा दिस इज माइनस वन रेज टू पावर पी इंटू में साइन एल्फा। ठीक है, तो ये प्रूव करना था हमें। अब देखो एट क्वेश्चन करते हैं। एनथ डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम सीख चुके हैं, सिमिलरिटीज हमें आ चुकी है। अब देखो एट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, वाई हमें गिवन है वन बाय एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स। इसका nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो nth डेरिवेटिव हम डायरेक्ट नहीं करेंगे कि भाई वाई वन वाई टू वाई थ्री इस तरह नहीं करेंगे, पहले इसको थोड़ा कन्वर्ट करते हैं। देखो ये हो जाता है एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, फैक्टर कर लिए। अब पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन आपने पढ़ा है, क्या करोगे, लेट वन बाय एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ए बाय एक्स प्लस टू प्लस बी बाय एक्स प्लस थ्री। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एलसीएम लेके कैंसिल करेंगे, वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू। तो एक बार एक्स को हम माइनस टू पुट करते हैं तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा वन, एक बार एक्स को हम माइनस थ्री पुट करते हैं तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस वन। तो ये आने के बाद वन बाय एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है वन बाय एक्स प्लस टू माइनस वन बाय एक्स प्लस थ्री, पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया है। तो देखो यही हमारा वाई था स्टार्टिंग में, जो गिवन है वाई, वाई इस टाइप से है। ठीक है, तो वाई क्या बन जाता है, एक्स प्लस टू रेज टू पावर माइनस वन एक्स प्लस थ्री रेज टू पावर माइनस वन। तो अब हम वाई वन कर सकते हैं, माइनस वन एक्स प्लस टू रेज टू पावर माइनस टू माइनस वन एक्स प्लस थ्री रेज टू पावर माइनस टू। ऐसे ही वाई टू, माइनस वन माइनस टू एक्स प्लस टू रेज टू पावर माइनस थ्री माइनस वन माइनस टू एक्स प्लस थ्री रेज टू पावर माइनस थ्री। नेक्स्ट देखो y3, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एक्स प्लस टू रेस्ट पावर माइनस फोर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री रेस्ट पावर माइनस फोर एंड अप टू सोन। तो अब तो y n सिंपल है, देखो y3 है तो माइनस कितने टाइम है, थ्री टाइम, y n होगा तो n टाइम, ऐसे ही n फैक्टोरियल भी बन रहा है। 1 इंटू टू इंटू थ्री क्या है, 3 फैक्टोरियल, और 1 इंटू टू क्या है, 2 फैक्टोरियल, और दूसरा क्या बनेगा, x प्लस टू रेज टू पावर माइनस के n प्लस 1। ऐसे ही माइनस वन रेज टू पावर n, n फैक्टोरियल, x प्लस थ्री रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो दिस इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल दोनों से कॉमन, वन बाय एक्स प्लस टू रेज टू पावर एन प्लस वन माइनस वन बाय एक्स प्लस थ्री रेज टू पावर एन प्लस वन। तो ये आंसर आ गया। तो हमें क्या यूज करना है इसमें, पार्शियल फ्रैक्शन। तो इस टाइप से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट
सेकेंड पार्ट तो बिल्कुल सिंपल है, 1 बाय एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है, पहले इसके फैक्टर कर लो, x माइनस ए एक्स प्लस ए। अब ऐसे ही जैसे लास्ट क्वेश्चन किया है पार्शियल फ्रैक्शन करके कर लोगे, इसको खुद ट्राई कर लेना। अब y क्या गिवन है, x रेस्ट टू पावर 4 बाय एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। तो अब इसको डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। इसमें पावर देखो, न्यूमरेटर में पावर 4 है, डिनोमिनेटर में पावर 2 है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर में गिवन है उसको हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 से। तो हमारे पास क्या जाता है, एक्स स्क्वेयर करोगे तो x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वेयर, साइन चेंज कैंसिल। अब 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर है तो इसको 3x से करो सोल्व, 3x से सोल्व करते हैं तो क्या आता है, 3x क्यूब माइनस के 9x स्क्वेयर प्लस के 6x माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, 7x स्क्वेयर माइनस 6x। अब प्लस 7 से कर दो तो 7x स्क्वेयर माइनस 21x प्लस 14। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, दिस इज माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, 15x माइनस के 14। तो अब देखो यहां जो बना है y, y हमारा क्या बन जाएगा, x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 7 प्लस 15x माइनस 14 अपॉन ये आएगा, इसके फैक्टर थे हमारे x माइनस 1 एक्स माइनस 2। तो अब इसका हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से फैक्टर कर लेंगे और फिर इसका y1 y2 y3 और फिर yn nth डेरिवेटिव अब निकाल लेंगे इसका। तो डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते थे इस क्वेश्चन में, इसमें nth डेरिवेटिव इस टाइप से फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन का 4th पार्ट और देख लो, y क्या गिवन है, x स्क्वेयर बाय x माइनस 1 क्यूब और x प्लस 1। तो इसको सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे, लेट इसको लिखेंगे a बाय x माइनस 1 प्लस बी बाय एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर प्लस सी बाय एक्स माइनस 1 की क्यूब प्लस डी बाय एक्स प्लस 1। इस टाइप से फैक्टर करते हैं, ये प्लस 2 में हमने सीखा है पार्शियल फ्रैक्शन। अब एलसीएम लेते हैं और कैंसिल करते हैं, एक्स स्क्वेयर ए इंटू ये आ जाएगा एक्स माइनस 1 का स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1, बी इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, c इंटू एक्स प्लस 1, d इंटू एक्स माइनस 1 की क्यूब। तो देखो टू वैल्यूज तो आ जाएंगी, एक बार तो हम पुट करें x इज इक्वल टू 1, 1 पुट करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आता है 1, और ये 0 हो जाएगा, ये 0 और ये 0, दिस इज 2c, तो c इज इक्वल टू 1 बाय 2, एक तो आ चुका है। एक बार x को हम माइनस 1 पुट करें लेफ्ट साइड में, 1 हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वेयर, ये 0 0 0, यहाँ माइनस 1 करेंगे तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 की क्यूब माइनस 8, तो d इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 8, d इज इक्वल टू माइनस के 1 बाय 8। तो ये c और d आया है, अब हम a और b को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, a इंटू एक्स माइनस 1 इधर रखा, एक एक्स माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस बी इंटू ये एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 प्लस डी इंटू एक्स माइनस 1 की क्यूब। तो अब देखो ए इंटू मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1, बी इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1, सी इंटू एक्स प्लस 1, डी इंटू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस के 3ab और इनटू में ए प्लस बी, यहाँ आ जाता है प्लस के 3x। तो अब इसको मल्टीप्लाई करके सबसे पहले देखो एक्स क्यूब लिखते हैं,
एक्स क्यूब को मान लो तो यहाँ पे आ जाएगा ए और एक आ जाएगा प्लस में डी। अब एक्स स्क्वेयर को मान लोगे तो यहाँ आता है माइनस के आ जाएगा कॉमन, प्लस बी आ जाएगा माइनस के 3d। अब x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखो माइनस का a और यहां से प्लस का c प्लस का 3d, और कॉन्स्टेंट टर्म क्या आ जाएगी, a माइनस b प्लस c प्लस और माइनस के d। तो देखो कैसे किया है, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, x क्यूब कॉमन ले लोगे तो आपके पास यहाँ a आएगा और एक यहां से d आ जाएगा, तो a प्लस डी बचेगा बस। तो अब क्या करते हैं, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स। तो सबसे पहले एक्स क्यूब का कोफिशिएंट देखो क्या आएगा, राइट साइड में तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इक्वेट करें तो लेफ्ट साइड तो जीरो है, राइट साइड क्या है ए प्लस डी, तो ए इज इक्वल टू माइनस टी, डी माइनस 1/8 है तो ये प्लस 1/8 आ जाएगा। ऐसे ही हम कोफिशेंट ऑफ एक्स इक्वेट कर सकते हैं, या कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर करेंगे तो ये आएगा माइनस ए प्लस बी माइनस 3d इज इक्वल टू 1 है, माइनस ए मतलब माइनस 1/8 प्लस बी प्लस के 3/8 दिस इज 1, 3/8 में से 1/8 2/8, 2/8 मतलब 1/4, 1/4 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गए 3/4। ये एबीसीडी आ चुका है आपके पास। अब एबीसीडी को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और फिर इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8th कंप्लीट होता है। 9th क्वेश्चन भी सेम है, 9th में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन है बस, भाई वाई एक्स प्लस 1/x² - 4 है तो इसको लिखोगे एक्स प्लस 1/x - 2 और एक्स प्लस 2, तो पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करके और आप nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस टाइप से जो एक्सरसाइज 2.2 है वो कंप्लीट होती है, बाकी कल करेंगे।